हेलो एवरीवन, आज सागी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना होता है बेसन। ये एक बाउल मैंने बेसन ले रखी हूँ, और ये दो प्याज मैं कट कर रखी हूँ बारीक। थोड़ी सी ये दही है, और इसके साथ में मैं छाछ भी डालूँगी इसमें, लस्सी। ये छाछ ले रखी हुई एक बाउल मैंने, दही और छाछ मिला करके ही मैं कढ़ी बनाऊंगी। आप चाहे तो सिर्फ दही और सिर्फ छाछ से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बनती है, ये टेस्टी बनती है। और पकोड़ा बनाने के लिए मैंने ये ली है मसूर का दाल, इसको मैंने 1 घंटे पहले ही भिगो दी थी, और इसको अच्छे से वॉश कर रखी हूँ। इसको मैं ग्राइंड करूँगी ग्राइंडर जार में डाल के, और फिर इसका पकौड़ा बनाऊँगी। वो बहुत ही टेस्टी बनती है इसका पकौड़ा। आप चाहे तो बेसन का भी पकौड़ा बना सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए, इसको मैं ग्राइंड कर ली। अब इसका एक बैटर तैयार करूँगी पकोड़े के लिए। तो इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। दाल को मैं थोड़ा दरदरा ही पीसी हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं करी हूँ। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर दूँगी, और इसके साथ ही इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, स्वाद के अनुसार लेना है नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। अब इन सारे मिश्रण को मैं मिला लूँगी अच्छे से। पकौड़े तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल रख दिया। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म करना हो हमें, तो फ्लेम को हाई रखना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम लो कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें पकौड़े तल लेंगे। अब एक बार पकौड़े को हम बीच में पलट देंगे, पीछे की साइड से भी इसको पका लेते हैं अच्छे से। जब तक अपना अपना पकौड़ा तल रहा है, तब तक हम इधर कढ़ी के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ी के लिए मैंने ली है यहाँ पे 2 चम्मच बेसन। इसके साथ ही मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी दही। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद के अनुसार नमक। 2 चम्मच छोटी वाली चम्मच से मैंने नमक ली हूँ, क्योंकि पकोड़े में भी नमक है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही रखना है। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी जीरा पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे चम्मच से फेंट के। देखिए, तो ये पकौड़ा भी तल चुका है अच्छे से। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, ये बहुत ही कुरकुरे बने हैं, देख सकते हैं आप। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरा पकौड़ा भी हम तल लेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बेसन का पकौड़ा नहीं बनाया है, मसूर वाली जो लाल की दाल, लाल वाली दाल जो होती है मसूर की, उसको ग्राइंड करके हमने इसका पकोड़ा बनाया है। बहुत ही अच्छी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इधर हमारा बैटर भी तैयार हो चुका है कढ़ी के लिए। तो इसमें हम मिला देते हैं अब ये छाछ। ये घर की छाछ है, जब मैंने मलाई में से घी निकाली थी तो ये छाछ बनाई थी, बिल्कुल फ्रेश है। आप दुकान से भी ला के बना सकते हैं। अब इसको इसमें मिला देंगे। कढ़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल रखी हूँ। इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच मेथी, मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी ये लाल मिर्च और तेज पत्ते, और इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी ये कटा हुआ प्याज। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है। प्याज को थोड़ी सी सुनहरी कलर में भून लेना है। उसके बाद में ये जो बैटर मैंने तैयार करके रखी हूँ, उसको इसमें डाल दूंगी। मीडियम फ्लेम पे प्याज को ब्राउन कर ले थोड़ा सा। इसमें थोड़ी सी हींग भी डालनी है, थोड़ी सी हींग डाल लीजिए 1 पिंच, हींग से अच्छा फ्लेवर आता है।
तो देखिए ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैं ये बैटर डाल दूंगी। इसमें बैटर डालने के बाद आप इसको 10-15 मिनट तक पकाइए धीमी आंच पे। इसको पहले फ्लेम को आप हाई रखिए, जब इसमें उबाल आ जाए तब फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए और मीडियम आंच पे इसको 10-15 मिनट तक पकाइए अच्छे से, जब तक ये थिक ना हो जाए तब तक इसको पकाइए। और फिर इसकी टेस्ट आएगी अच्छी, जब ये अच्छे से पक जाती है तभी इसमें टेस्ट आती है। इसको पकाने में कम से कम 15 मिनट आपको लग ही जाएगा, और बीच बीच में इसको चलाते रहे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी। सर्दी स्पेशल कढ़ी पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में सर्दियों में, ये कढ़ी पकौड़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो देखिए कढ़ी थोड़ा सा थिक होने लगा है, उबाल भी आ गई है इसमें। इसी स्टेज में मैं डाल दूंगी इसमें पकौड़े, जो पकौड़े मैं तल के रखी हूँ, ताकि 5-7 मिनट पकौड़ा भी अच्छे से इसमें पक जाए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा कढ़ी बनके तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसमें लगाऊंगी तड़का, जो कि स्वाद को दुगुना कर देगा। ज़बरदस्त वाली तड़का लगाऊंगी इसमें। तड़का के लिए ये मैं ली हूँ 2 चम्मच घी, और इसमें डाली हूँ थोड़ी सी हींग और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे मैं तड़का लगा रही हूँ कढ़ी का। अब ये मेरा कढ़ी बनके तैयार है। अब इसको ले चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस में। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा कढ़ी बनके तैयार हो चुका है। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, कोई भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।